Hello Lotte, what's up Jeter? It's your boy and Flash back again with another video. Hello, थोड़ा clear करो please, थोड़ा clear. हाँ तो पिछले चार वीक से कोई vlog नहीं आ रहा है और उसके पीछे reasons यानी कि हेतु क्या है आप इसे excuses कहो कारण कहो या कुछ भी कहो. So reason number one is I have been to India now. So I was there for last 2 months and how long I have been there with my family जो कि पूरा journey आपको मैंने already video में दिखा चुका हूँ और वो आपको exactly समझ जाएगा थोड़ी देर में. सो कारण नंबर दो है कि इतने टाइम के बाद मैं इंडिया गया था, घर वालों से मिल रहा था, उसके बाद घर वालों से मिलते ही मेरा दिमाग कम्प्लीटली हो गया ब्लैंक. और दिमाग ब्लैंक होता है तो फिर सोचना बंद तो काम करना बंद तो लिखना बंद, और लिखना बंद तो व्लॉग आएगा कहां से? कमाल करते हो. नहीं समझे? एक मिनट समझाता हूँ. ब्लॉग्स की तो मैंने फिलहाल अभी खाली 2 ब्लॉग बना के हो गए थे जो कि मैंने ऑलरेडी डाल चुका था. मैं इंडिया गया था अक्टूबर से दिसंबर, बीच में आता है नवंबर. मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल. तो अगर अक्टूबर की बात करते तो अक्टूबर में मैंने ऑलरेडी 2 ब्लॉग्स डाल चुके थे और नवंबर में 2 ब्लॉग्स डाले. तो ये जो ब्लॉग थे वो ऑलरेडी थे जब मैं इंडिया में आया था तब के ब्लॉग बने थे, और ये जो ब्लॉग थे वो मैंने इवेंट्स कवर किए थे. तो यहाँ बात हो रही है दिसंबर की. तो दिसंबर के होते हैं 4 वीक्स, तो ये 4 वीक्स के ब्लॉग नहीं आए. तो ये 4 वीक्स गए कहाँ पे? तो ये है दिसंबर का कैलेंडर. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. तो अगर हम बात करते हैं ये 4 वीक, क्योंकि ये है 1, 2, 3, 4, इसको मैं स्पेयर में रख रहा हूँ. तो इसमें से मैंने निकाल लिया 4 हफ्ते, 1, 2, 3, 4. एज यू ऑल नो हर हफ्तों में होता है 7 दिन. मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल. तो उस 7 दिन को अगर मैं डिवाइड करने जाऊंगा और हर दिन का हिसाब अगर लगाने जाऊंगा तो उसके हिसाब से मैं मुझे खुद को भी याद नहीं कौन से दिन क्या किया है, सोचना पड़ता है रे. तो टोटल मिला के हर हफ्ते में होते हैं 7 दिन. तो 7 दिन में से मैं अगर मैं 4 दिन काउंट करता हूँ, 4, 4, 4, 4, तो हर हफ्ते के अगर मैं 3-3 दिन निकाल रहा हूँ तो वो 3 दिन में मैंने क्या क्या किया वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ. तो डे 1, तो ये दिन मैं मिलने वाला था मेरे भाई से. और फिर क्या, दिवाली थी, भाई के साथ दिवाली मनानी थी. सॉरी यार ब्रो, ये वीडियो डालने के लिए लिटरली सॉरी. फिर डे 2, फिर गाँव का मस्त सा खाना, और फिर सोडा तो बनता ही है यार. डे 3, दोस्त की शादी. डे 4, क्या पार्टी, डांस और कुछ पूछो ही मत. सेकेंड वीक, और फिर मस्त से लॉन्ग ड्राइव, वो भी वर्ली सी फेस के पास. वहाँ उतर के गोला नहीं खाया, क्योंकि मुंबई में आए और गोला नहीं खाया तो मुंबई में आए क्यों यार. डिफरेंट खाना, आहा क्या मजा ही आ गया यार. के साथ पार्टी टाइम, फिर गेट टुगेदर भाई के साथ, मिडनाइट साइकिलिंग, फिर भाई का बर्थडे, फिर कैथलिक एंगेजमेंट जो कि क्लासिक थी मैन. लास्ट में एयरपोर्ट के सीन्स. ओ भाई मारो मुझे. खर्चा क्यों करने का. एंड व्हेन आई केम हियर बैक टू द न्यूजीलैंड आई वाज लिटरली स्टेइंग एट माय फ्रेंड्स हाउस. तो लिटरली मैं 3 से 4 दिन मेरे फ्रेंड के घर पे रहा जो कि बेचारे रहने दिया. सो एनीवे आई हैव टू फाइंड आउट माय अकोमोडेशन. मतलब यार कंटिन्यूअसली 3-4 दिन से चालू ही है, मतलब ट्रेड मी फेसबुक बस. सो उसके बाद आफ्टर 3-4 डेज आई फाउंड दिस हाउस. बट जो 3-4 दिन गए ना, इट वाज लिटरली वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग डेज फॉर मी, बट फाइनली ऑल सेट इट अप. वैसे घर का टूर देने वाली ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि अपना घर अपना होता है. तो ये रूम है और ये गरीब के थोड़े बहुत शूज है, मतलब जितने भी है गरीब के शूज है. और यहाँ पे एक छोटा सा कपबोर्ड है जहाँ पे मेरा ये सब कपड़े पड़े. ज्यादा कुछ रखा नहीं है मैंने यहाँ पे, तो ज्यादा कुछ है नहीं. और दूसरी बात है ये स्टोरेज मिला है यहाँ पे, पता नहीं पहले यहाँ पे लड़कियां रहती थी जो ऐसे ही पड़ा है कब का. और जितने भी लोग रहते हैं उन लोग के सबके बैग्स यहाँ पे पड़े हुए हैं. सो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो स्टोरेज एरिया है. और ये एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है जहाँ पे मतलब कुछ करना तो होता नहीं है वैसे, बस स्टडी कर सकते हैं. और ये मेरा बेड है और यहाँ सब मेरी चीजें पड़ी हुई है. यहाँ पे जस्ट वॉशरूम है, ये बाथरूम है, ये मैं हूँ, और ये है, ये तो पता ही होगा क्या होता है मतलब जान दो. और ये मेरा लैपटॉप पड़ा है जहाँ पे मेरा एडिटिंग चालू है. और ये जो दिखा रहा है ये ऊपर का एरिया है, तो चलो चलते हैं ऊपर के एरिया में. तो बस ये थोड़ा सा भी ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना. सो दिस इज द किचन एरिया जहाँ पे हम लोग कुक करते हैं. यहाँ पे और एक घर है जहाँ पे वो मेरे फ्रेंड्स रहते हैं. और ये है लिविंग एरिया, ये कपड़े सूखे हुए अभी, यहाँ पे ध्यान मत देना. सोफा, टीवी, PS खेलने के लिए जो मुझे नहीं आती मैं नहीं खेलता हूँ. ये है छोटी सी बालकनी जहाँ से पूरा ये व्यू दिखता है स्टेशन का. सो यस दैट्स इट. सो
Hope you guys like the video. If you didn't, make sure to subscribe my YouTube channel. I'll see you guys in the next video. Till then, stay connected and wait and watch for the another vlog. Till then, bye. और ये शक्ल की आदत डाल लो, कुछ लोग ऐसे ही आने वाले हैं, यही शक्ल को झेलना पड़ेगा।